डॉक्टर राजीव होम्योपैथिक क्लिनिक का तीसरा चेन का शुभारंभ पटना शहर के दानापुर गोला रोड में हुआ, जहां बतौर अतिथि सभापति विधान परिषद बिहार अवधेश नारायण कुमार सिंह, डिप्टी सीएम श्री तारकेश्वर प्रसाद एवं मंत्री रामजी सिंह एच एम ए आई अध्यक्ष श्री पीयूष जोशी एच एम ए आई सेक्रेटरी श्री नारायण साही पर्यटन मंत्री श्री नितिन नवीन जी मंत्री बिहार सरकार, मदन साहनी समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार, श्री मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार, श्री सुनील कुमार मंत्री बिहार सरकार शामिल हुए। यहां सभी गणमान्य लोग पहुंचकर डॉक्टर राजीव जी को बहुत बहुत बधाई दी। वही डॉक्टर राजीव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि होम्योपैथिक आए दिन अपनी बढ़ोतरी पर है और मरीज इस इलाज में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, यह पूरी तरह से मरीज के लिए इफेक्टिव और पूर्ण आयुर्वेदिक है, जिसका कोई फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं होता। ब्रांच का मैंने उद्घाटन किया वो आज मेरा, साथ ही साथ मैंने अक्टूबर में मेरे कोलकाता में होम्योपैथिक क्लिनिक आ रही है बीबी गांगुली स्ट्रीट में, और मेरा उद्देश्य है भारत के हर घर की पैथी घर घर पहुँचे होम्योपैथिक। होम्योपैथिक में रेवोल्यूशन लाना है और होम्योपैथिक में घर घर तक पहुँचाना है, क्योंकि एक होम्योपैथिक चिकित्सक काफ़ी सारे चिकित्सकीय पद्धति का इलाज एक साथ करते हैं। जैसे एक होम्योपैथिक डॉक्टर 20 एलोपैथ डॉक्टर के बराबर होता है। हम लोग एनटीबी गायनो हो ऑर्थो हो गैस्ट्रो हो पेडियाट्रिक्स हो हर चीज़ का इलाज हमारे होम्योपैथिक चिकित्सा में होता है। मैंने 2017 में एक मेडिसिन होम्योपैथिक बैंक की मैंने स्थापना की है, उसके तहत मैंने मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था की है, जिसके तहत मैं पूरे झारखंड राज्य में अभी तक 1,00,000 लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया और निःशुल्क दवा भी वितरण किया। मैंने कोरोना वायरस के दौरान में भारत सरकार के अनुमोदित आर्सेनिकल मैंने 1,00,000 परिवारों को निःशुल्क दवा बांटी है, और मेरी बिहार जन्मभूमि है, और मैं जब बिहार आया हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं बिहार के लिए मैं कर्ज अदा करूँ और मैं जितना भी संभव हो सके यहाँ के गरीब लोगों को वंचित लोगों को जो चिकित्सा सुविधा से होम्योपैथिक चाहते हैं मैं उनके लिए चिकित्सा सुविधा बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकूँ। देखिए हर होम्योपैथिक चिकित्सक का अपना अलग अलग ध्येय है, अलग अलग स्कोप है होम्योपैथिक में इलाज करने का। हर चिकित्सक अपने अनुसार अपने ज्ञान के अनुसार मरीजों का इलाज करता है, कोई कहीं सफल होता है कहीं असफल होता है, तो इससे घबराना नहीं है। और हम सभी मिलके एक हमारा एक सेवा मानव सेवा भी है, हमारा रोजी रोजगार भी है, तो हमारा एक मानव सेवा भी है। तो सबसे पहले हमारा मानव सेवा है, यदि मानव सेवा सही है तो हमारा रोजगार ऐसे ही आगे हम बढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम है रोगी को स्वस्थ करना। सर, जो नीचे तबके से आते हैं जो दवा खरीदने में हॉस्पिटल से का खर्चा उठाने में कैपेबल नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप विशेष रूप से अपने यहाँ क्या फैसिलिटी? मैं महीना में एक दिन निःशुल्क चिकित्सा सुविधा लूँगा, मैं कोई फी नहीं लूँगा, जो भी हमसे दवाइयाँ होगा मैं दवाइयाँ उपलब्ध कराऊँगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ मेरी जो पैथी होती है जो लोग सिलेक्ट करते हैं जब पैथी को, तो हम लोग किसी भी मरीज के लास्ट चॉइस होते हैं, फर्स्ट चॉइस नहीं होते हैं। जब सब जगह से लोग थक जाते हैं तो होम्योपैथिक में आते हैं, या इसको एक शब्द में कह सकते हैं जहाँ एलोपैथी खत्म होती है वहाँ से होम्योपैथी की शुरुआत होती है। तो इस माध्यम से हम लोग जहाँ तक बेहतर सुविधा चिकित्सा उपलब्ध करा सकें, जितने हमें ज्ञान प्राप्त है मैं उस हिसाब से हम लोगों की सेवा में निरंतर लगे रहें। मैं डॉक्टर राजीव कुमार, मैं सचिव होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया झारखंड रांची से, मैं कोविड कंट्रोल सोसाइटी कमेटी का मेंबर भी हूं, मैं आयुष एडवाइजरी कमेटी का मेंबर भी हूं, साथ साथ मैं कई सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूं, और मैं लगातार सोशल वर्क मैं पिछले 17 सालों से करता आ रहा हूं। नमस्कार, आप सभी आए, आप सबों का धन्यवाद।